अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम दोस्तों, आज फिर इसको इसी बड़े ग्राउंड में लेकर आया हूँ इसको फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। लेकिन दोस्तों हुआ कि जैसा कि आज सीन हो गया, एक तो मेरा दिल भी घबरा रहा था और कुछ मेरी अपनी भी गलती थी कि टाइमिंग सही नहीं थी, मैं गलत टाइम पर लेकर आया था। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था मेरा, तो मैंने कहा चलें इसको फ्री फ्लाइट के लिए ले चलता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ सीन हो गया है, तो सीन ये हुआ, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि क्या सीन हुआ है, लेकिन बाल बाल ये बचा है, मौत के मुंह से बचा है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या सीन। ये देखें दोस्तों, इसने पहला चक्कर तो बिल्कुल ठीक लगाया है और सीधा आके कैमरा मैन के हाथ पे आके बैठा है, लेकिन जब दूसरा चक्कर लगाया तो इसके चील इसके पीछे लगे थे जिससे हम लेग टाइट। ये देखें दोस्तों, कहाँ गया? चील उड़ा दिया। चक्कर लगाया तो काफ़ी लंबा चक्कर लगाया था और सामने से जो है एक चील आ गई, जिसका पता नहीं था, मैं गुमान में नहीं था कि ये चील आ जाएगी ब्लैक टाइट, और इसने हमला किया है। और ये यहाँ से तेज़ी से बिल्कुल समझो बिल्कुल करीब था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि बस अब गया ये चील, इस चील के हाथ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों बच गया। और कुछ तीन चार चील और आ गई थी और वो सामने वाले घर पे गया है, वो घर से छत पे जा के सीधा कमरे में गया है उसके। दोस्तों माजरत के साथ आगे की वीडियो में बना नहीं सका, जब मैं गया उस सामने वाले घर पर उसे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो हमें मिल तो गया, पता चला कि हाँ इस घर में आया है। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, बाद में मैंने इसकी फ़ोटो ली थी, बहुत सहमा हुआ है। तकरीबन कुछ घंटे तक तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना कुछ खा रहा था, काफ़ी सदमे में था। अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है।